चलिए दोस्तों, तो हम हाजिर हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो मनोज कम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है, इसका शानदार ट्रिक के साथ जो है हम हाजिर हुए हैं। तो कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गंगा नदी के सहायक नदियां, अब देखिए इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम आपको बताते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो देखिए, गंगा नदी जो है भारत के सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है, ठीक है। अब देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय नदी किसको कहते हैं, तो गंगा नदी को कहते हैं। राष्ट्रीय नदी किसको कहते हैं, तो गंगा नदी को। अब जो है गंगा नदी जो है निकलती है कहां से, तो गंगोत्री नामक हिमनद से, ठीक है। गंगोत्री नामक हिमनद से निकलती है कौन, गंगा नदी। अब देखिए, गंगा जो है गिरती है कहां, तो बंगाल के खाड़ी में। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी जो है कहां गिरती है, ठीक है, कहां गिरती है, तो इसका आंसर होता है क्या, बंगाल की खाड़ी। ये निकलती कहां से है, तो गंगोत्री से। कहां से निकलती है, गंगोत्री से। तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, और गंगा नदी निकलती है कहां से, गंगोत्री से, और गिरती है कहां, तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए हम अब जो है हम आते हैं ये ट्रिक पर। देखिए ट्रिक क्या है कि गंगा नदी के जो है कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो लिखा हुआ है क्या, यशोदा शाम के घरा गंडक बेचता। तो देखिए हम आपको समझाते हैं ढंग से। तो देखिए, यशोदा जो है वो शाम के घरा, घरा घर के घरा भी बोलता है कोई, है ना, कुछ लोगों का ऐसा भाषा होता है। तो यशोदा जो है शाम के घरा में, कहां घरा, घरा जो है कोचिंग बेचता है गंधक, गंधक होता है ना, गंधक नहीं, गंधक तो लिखा हुआ है, पढ़ना क्या है, गंधक क्या करता है, बेचता है, समझ रहे हैं, फिर से सुनिए। यशोदा जो है शाम के घरा कोची गंधक बेचता, यशोदा जो है शाम के घरा कोची बेचता गंधक बेचता। देखिए अब कौन कौन जो है, कितना नदी इसमें शामिल है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह नदियां जो है इसमें शामिल है, और बारह जो है सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, ढंग से ध्यान दीजिए। देखिए पहला जो है इसमें हम लिखते हैं यमुना, पहला जो है कौन है, यमुना है। इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका सोन है, कौन है, सोन है। इसके बाद जो है अगला जो है दामोदर है, कौन है, दामोदर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आगे जो है शारदा है, शारदा। इसके बाद जो है मा से महानंदा, महानंदा, महानंदा। इसके बाद जो है का से कोसी है, कोसी, कोसी है। अब देखिए यहां आते हैं, कोसी के बाद जो है आपका घग्घर है, घग्घर, और घग्घर के बाद जो है आपका रामगंगा है, कौन है, रामगंगा, कौन है, रामगंगा। इसके बाद जो है गंडक पूरा है, गंडक, ठीक है, गंडक। उसके बाद जो है आपका बे से बेतवा है, बेतवा, ठीक है। इसके बाद जो है च से चंबल है, कौन है, चंबल, च से जो है चंबल है, और ता से जो है आपका ताप्ती है, ताप्ती। तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यमुना, सो से सोन, दामोदर, शारदा, म से महानंदा, क से कोसी, घ से घग्घर, रा से रामगंगा, गंडक पूरा, बे से बेतवा, च से चंबल, और ता से ताप्ती। तो देखिए यशोदा जो है शाम के घरा में कोची गंधक बेचता, क्या बेचता, गंधक बेचता। तो देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, यशोदा में यह पहले, तो यमुना, उसके बाद सोन, और उसके बाद दा से दामोदर, फिर जो है यमुना शाम की, तो सा से शारदा, मा से महानंदा, के से कोसी, घरा में, तो घ से घर, रा से रामगंगा, घरा कोची गंधक, तो गंधक पूरा, बेचता, तो बे से बेतवा, च से चंबल, और ता से ताप्ती। ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं।
अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि इस पे जो है कौन कौन शहर है, तो देखिए इस शहर का जो है एक ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। अगर वो वीडियो जो है आप अगर नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। आप कैसे सर्च कीजिएगा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आप लिखिएगा कि गंगा की सहायक नदियां का ट्रिक, और लास्ट में आप लिख दीजिएगा मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ठीक है। आपको वो ट्रिक जो है वहां अवेलेबल हो जाएगा। जो भी टॉपिक का जो है आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है पहले सर्च कीजिए कि मान लीजिए जो टॉपिक आपका जरूरत है वो टॉपिक लिख दें, लास्ट में मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस, अगर वो टॉपिक वहां उपलब्ध है तो वहां से देख लें, और अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर आप कमेंट कीजिए। अगर संभव होगा तो कोर्सेस हमारा यही रहेगा कि आपका जो है समस्या पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाकी आपकी मर्जी। आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।